हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कर रहे हैं रिव्यू रेनो डस्टर फेसलिफ्ट वर्जन 2019 का, जो कि अवेलेबल हो जाती है पेट्रोल एंड डीजल दोनों ही ऑप्शंस के अंदर। आपको इसके अंदर मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अंदर काफ़ी कलर्स आपको मिल जाएंगे। अभी जो मैं आपको ये वेरियंट दिखा रहा हूँ, ये है RXS ऑप्शनल वेरियंट CVT ट्रांसमिशंस के साथ। अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करूँ तो इसकी कॉस्टिंग है 9.99 लाख एक्स शोरूम प्राइस, जो कि है CVT ऑप्शन के साथ। सो इसको आप कह सकते हो कि ये पेट्रोल का टॉप मॉडल है। अगर मैं इसकी फ्रंट लुक की बात करूँ तो फ्रंट लुक में आपको काफ़ी कॉस्मेटिक चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद LED DRLs, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगती हैं और इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देती हैं। वहीं आपको देखने के लिए मिलेगी इसकी फ्रंट साइड में इसकी वाइड बोल्ड क्रोम फिनिश फ्रंट ग्रिल, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग हो जाती है। और जो रेनो का इसके अंदर लोगो है वो भी काफ़ी बोल्ड इस बार कंपनी ने बनाया है। और नीचे की साइड अगर आप देखेंगे तो नीचे की साइड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसके रीडिज़ाइन डुअल टोन कलर फिनिश में आपको बम्पर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लुक देता है। अगर मैं बात करूँ पहले वाली डस्टर से कंपेयर करके, तो काफ़ी ज़्यादा जो लुक है वो इस बार चेंज कर दिया गया है फ्रंट साइड से, और कार काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगती है। इस वेरिएंट के अंदर आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते, आप आफ्टर मार्केट से इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं या फिर आप एक्स्ट्रा अमाउंट देकर कंपनी से भी इसको फिट करवा सकते हैं। सो गाइज, आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको ये फेसलिफ्ट वर्जन जो है वो कैसा लगा, पहले वाला अच्छा था या फिर अब जो चेंजेस किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। वहीं बात कर लेते हैं इसके साइड लुक के बारे में। सो साइड लुक की अगर मैं बात करूँ तो आपको सबसे ज़्यादा जो अपीलिंग लगता है वो इसके अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाएंगे। सो इसके अंदर आपको मिल जाते हैं डुअल टोन फिनिश डायमंड कट 16 इंचेस अलॉय व्हील्स। अगर मैं इसके मेजरमेंट की बात करूँ, जो टायर का साइज़ है वो है 215/65/R16, मीन्स 16 इंचेस का आपको इसके अंदर अलॉय व्हील्स मिल जाता है। अपोलो कंपनी का टायर इसके अंदर फिट है, जैसे कि आप देख सकते हो। सो अलॉय आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाला अलॉय कैसा लगा। वहीं आपको लेफ्ट हैंड साइड पर फेंडर पर देखने के लिए मिल जाएगी RXS की बैजिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। वहीं आपको मिल जाते हैं डुअल टोन के अंदर इलेक्ट्रिकली एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs। इसकी अगर मैं लुक की बात करूँ तो ये भी काफ़ी अच्छी लुक में बनाया है। आप साइड में देख सकते हो ऑल न्यू डस्टर की बैजिंग भी आपको इसके अंदर मिल जाती है। ये सिर्फ ट्रायल वर्जन है, सो टेस्ट ड्राइव के लिए कार है, सो इसीलिए इसके अंदर ये सब लिखा हुआ है। आपको अगर आप नई कार परचेज़ करेंगे तो उसके अंदर ये सब नहीं लिखा होगा। नीचे की साइड आप देख सकते हो कि साइड स्कर्टिंग्स भी आपको इसमें ऐड ऑन मिल जाती है, जो कि डुअल टोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। वहीं अगर मैं बात करूं इसके डोर हैंडल्स की, तो आपको इसके अंदर क्रोम फिनिश के अंदर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन किए हुए हैं क्रोम हैंडल्स। सो मैट फिनिश जो है वो आपको मिल जाएगा इसका बी पिलर। सी पिलर की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मिलने वाला है बॉडी कलर्ड, उसके अंदर मैटिंग नहीं की हुई है। वहीं अगर इसकी मैं रूफ़ रेल्स की बात करूं तो रूफ़ रेल्स आपको मिलेंगी इसके अंदर मैट फिनिश के साथ विद डस्टर बैजिंग। ये भी काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगता है। अगर अभी मैं आपको दूर से दिखाऊँ, ये भी काफ़ी दूर से फैसिनेटिंग लुक इसको दे देता है काफ़ी। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसके एक्सटीरियर लुक के बारे में, तो काफ़ी कॉस्मेटिक चेंज के साथ इसको फेसलिफ्ट करके मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से उतारा गया है। वहीं बात कर लेते हैं इसके रियर अलॉय व्हील के बारे में। सो इसके अंदर भी आपको सेम आप देख सकते हो कि डायमंड कट अलॉय व्हील आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। सेम मेजरमेंट के साथ आपको रियर व्हील भी मिलने वाला है। सो अब बात कर लेते हैं इसकी बैक साइड के बारे में। सो बैक साइड की बात करूँ तो आपको इसके अंदर मिलेगी LED टेल लैम्प, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लुक देती है। वहीं आप देख सकते हो आपको इसके अंदर रियर डिफॉगर भी मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो रियर वाइपर का ऑप्शन आपको RXS ऑप्शनल के अंदर नहीं मिलता है। हाई माउंटेड आपको इसके अंदर ब्रेक लाइट अवेलेबल हो जाती है। वहीं बात करूं इसके डस्टर की बैजिंग, आप देख सकते हो ब्लैक ट्रीटमेंट किया हुआ है, उसके ऊपर डस्टर की बैजिंग को प्लेस ऑन किया हुआ है। पहले क्रोम में आती थी, बट अब ये ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ इसको इंस्टॉल किया गया। सो बात करूँ अगर सेफ्टी फीचर्स की, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लॉ इम्प्लीमेंट किया उसके अकॉर्डिंग ABS प्लस EBD
प्लस रियर व्यू सेंसर्स भी आपको इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। वो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं, वो आपको डस्टर के सारे ही वेरिएंट्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो सीट बेल्ट रिमाइंडर है, एयरबैग्स हो गए, ऐसे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे सारे ही ऑप्शंस के अंदर। अगर आप डस्टर का बेस वेरिएंट भी लेते हैं तो भी आपको ये फीचर्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। वहीं आपको बूट लिड के ऊपर रेनो की बैजिंग मिल जाएगी रीडिज़ाइंड। आपको इसके अंदर टेल लैंप्स मिल जाएंगे, एलईडी टेल लैंप्स इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लुक है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको रेनो डस्टर कैसी लगी, जो फेसलिफ्ट वर्जन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ओवरऑल जो लुक है वो आपको कैसी लगती है। राइट हैंड साइड की बात करूँ तो आपको टैंक लिड ओपनर आपको इस साइड मिलेगा, सो ये ड्राइवर साइड आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है ड्राइवर के लिए जब टैंक को हम रिफिल करते हैं। सो ये ओवरऑल लुक है जैसे कि आप देख सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो तो एक एसयूवी के लिए काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस आपको डस्टर के अंदर मिल जाती है। सो अब चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर ओवरऑल कैसा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर की बात करूँ तो आपको इसके अंदर ब्लैक फिनिश के अंदर इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है। अगर डोर की बात करूँ तो आपको राइट हैंड साइड पर आपको सिल्वर एसेंट्स के साथ जो ग्रैब करने के लिए डोर हैंडल है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी अच्छे लुक के अंदर बनाया हुआ है। वहीं आपको इसके अंदर फैब्रिक का कोई भी काम देखने के लिए नहीं मिलेगा, सारा ही काम प्लास्टिक से किया हुआ है। वहीं आपको राइट हैंड साइड पर पावर विंडोज़ के ऑप्शन मिल जाएंगे, ORVM को सेट करने के लिए भी बटन्स मिल जाएंगे, और 1 और 1 लीटर तक की आप इसके अंदर बॉटल होल्डर भी है जो कि आप इसके अंदर प्लेस ऑन कर सकते हैं। वहीं मैं आपको अब लेकर चलता हूँ इसके स्टेयरिंग व्हील के लिए। स्टेयरिंग व्हील आप देख सकते हो कि डुअल टोन के अंदर आपको स्टेयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाएगा, सिल्वर एसेंट से काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर काम आपको देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो अभी। स्टेयरिंग व्हील के कंट्रोल्स जो हैं वो आपको इसके अंदर नहीं मिलते हैं, डुअल एयरबैग्स के साथ ये कार आती है। वहीं आपको सर्कुलर शेप के अंदर एसी वेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, पियानो फिनिश का काफ़ी काम इसके डैशबोर्ड में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। वहीं आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्लच अवेलेबल नहीं है, रीज़न बीइंग कि ये CVT ऑप्शन है, सो ऑटोमेटिक है, सो इसलिए आपको इसके अंदर क्लच देखने के लिए नहीं मिलेगा। सीट की बात करो तो फैब्रिक वर्क आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, सीट हाइट एडजस्टमेंट आपको इसके अंदर नहीं मिलता है। ये आप देख सकते हो, ये है स्किल प्लेट जो कि डस्टर की बैजिंग के साथ आपको नाइट में ग्लो होती हुई दिख जाएगी। डिटैचेबल आपको हेडरेस्ट दोनों ही साइड देखने के लिए मिल जाएंगे, ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड आपको दोनों ही साइड डिटैचेबल हेडरेस देखने के लिए मिल जाएंगे। फैब्रिक का स्टिचिंग का काफ़ी ज़्यादा माइन्यूट डिटेलिंग के साथ काम किया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगता है। अब आप देख सकते हो इसका इंटीरियर। अगर इसके मीटर की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलेगा टैकोमीटर, बीच में स्पीडोमीटर, और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा MID। आप ओवरऑल लुक देख सकते हो डैशबोर्ड का। ऊपर की साइड जो आप ये देख रहे हो डस्टर के बैजिंग के ऊपर, वहाँ आपको मिलता है कूल्ड ग्लव बॉक्स जिसके अंदर आप अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह को ठंडा रख सकते हो। डस्टर की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी और 2 एयरबैग्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। वहीं आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग के अंदर पियानो फिनिश के साथ काम किया हुआ है। अब मैं की लगाता हूँ और आपको जो इसका म्यूज़िक सिस्टम है वो भी अभी ऑन करके दिखाता हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको इसका जो इंटीरियर है फेसलिफ्ट वर्जन का वो ओवरऑल आपको कैसा लगा। अब मैंने इसका ऑन कर दिया है इंफोटेनमेंट सिस्टम। रेनो की जो ब्रांडिंग है वो आपको स्टार्टिंग में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ, 7 इंचेस का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है जो कि है एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले के साथ आता है। वहीं मैं बात करूँ इसके नीचे की साइड तो आपको मिल जाते हैं AC कंट्रोल यूनिट आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता, मैनुअल AC आपको इसके अंदर अवेलेबल होता है। थोड़ा नीचे की बात करो तो आपको मिलते हैं 2 कप होल्डर्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो गियर नॉब जो कि है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। CVT ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है जैसे कि आप अभी देख सकते हो। यहाँ पर भी आपको हैंड ब्रेक के साथ भी आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एयर फ्रेशनर रखा हुआ है, वहाँ पर भी आप
इजीली 1 लीटर तक की बॉटल प्लेस ऑन कर सकते हो। सो यहाँ पर भी आपको को ड्राइवर साइड के गेट की अगर बात करो तो यहाँ पर आपको सिल्वर एसेंट्स के साथ काफ़ी काम देखने के लिए मिलेगा। आर्मरेस्ट की बात करो तो वहाँ पर हार्ड प्लास्टिक है, वहाँ पर अगर कंपनी कुछ लेदर वर्क देती या फिर कुछ फैब्रिक प्लेस ऑन करती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसके स्टेयरिंग व्हील में काफ़ी कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं जो कि है वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने के लिए, साथ ही साथ आप कॉल पिक और डिनाई भी कर सकते हो इसके ऑप्शंस के साथ। अब मैं वहीं अगर मैं बात करूँ इसके वैनिटी मिरर के बारे में, सो वैनिटी मिरर भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, वो सिर्फ आपको मिलेगा को ड्राइवर साइड। ड्राइवर साइड आपको इसके अंदर अवेलेबल नहीं होगा, जैसे कि आप अभी देख सकते हो को ड्राइवर साइड सिर्फ मिरर दिया हुआ है, इसके अंदर भी आपको लाइटिंग अवेलेबल नहीं होती है। अगर इसकी रूफ़ लाइट्स की बात करो तो पीछे की साइड आपको दो दो रूफ़ लाइट्स देखने के लिए मिल जाती हैं, दोनों ही साइड्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, एक इस साइड है और एक साइड में आपको मैंने अभी दिखाई। सो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा रेनो डस्टर का रहता है। सो ये है कुछ बैक लुक जैसे कि आप देख सकते हो। सो इस साइड भी आप देख सकते हो कि दोनों ही जो गेट्स हैं पीछे के, वहाँ पर भी आपको कुछ लेदर वर्क या फिर फैब्रिक वर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा, टोटली हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके आर्म रेस्ट के बारे में तो आपको बैक साइड में आर्म रेस्ट भी अवेलेबल हो जाता है दो कप होल्डर्स के साथ, जैसे कि आप अभी देख सकते हो। अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो काफ़ी माइन्यूट डिटेलिंग के साथ इसकी सीट्स को डिज़ाइन किया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। वहीं आपको ये स्किल प्लेट भी मिल जाती है डस्टर की ग्लो बैजिंग के साथ, जो कि नाइट में इसकी जो लुक है काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देता है। सो इस साइड भी आपको जो डोर ओपनर्स हैं वहाँ पर आपको क्रोम फिनिश नहीं मिलने वाली है, नॉर्मल प्लास्टिक फिनिश ही आपको इसके अंदर मिलेगी। सो बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में। बूट स्पेस की बात करूँ तो आपको इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 400 लीटर्स का बूट स्पेस अवेलेबल हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी स्टोरेज है एक एसयूवी के लिए। सो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको इसका बूट स्पेस भी कैसा लगा। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके जो व्हील पन वगैरह होता है वो आपको प्लेस ऑन होते हुए मिल जाएगा इस साइड, राइट हैंड साइड आपको यहाँ पर जैक और जो व्हील पन है वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है। सो गाइज ये थी कुछ वीडियो डस्टर के बारे में। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।